हेलो गाइस, मैं राजीव और आपका आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। हेलो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्रैक्शन ट्रिक्स दी थी, उसको कंटिन्यू करना है। आगे फ्रैक्शन ट्रिक्स को बताना है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ट्रिपल नाइन के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो इसका कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप क्लियर करिए। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप नाइन की बात करें, नाइन के साथ कोई भी सिंगल डिजिट ले लें, सिंगल डिजिट समझ रहे होंगे, सिंगल डिजिट मतलब कोई भी एक अंक। और हमने आपको एक वीडियो बताया था कि हमारे ग्रुप डिजिट कितने होते हैं, जीरो से लेकर नाइन तक टोटल 10 ग्रुप डिजिट होते हैं। तो इन 10 ग्रुप डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आप ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे 8 लेंगे तो 9 8 72 आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डबल नाइन के साथ जब हम कोई भी डबल डिजिट लेते हैं, पहले सिंगल डिजिट की बात करते हैं। चलिए सिंगल डिजिट, डबल नाइन के साथ जब हम सिंगल डिजिट की बात करते हैं, कोई भी एक सिंगल डिजिट, जैसे अभी मैंने 9 के साथ 8 लिया, यहां भी हम 8 लेके देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 8 9 72 और बीच में 9 सेट कर देंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है। आप समझ रहे होंगे, 99 के साथ ये कंसेप्ट लग रहा है कि 9 का 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 के 72 और बीच में 9 फिट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप चाहे तो कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने 7 लिया तो 9 7 63, 7 9 63 और बीच में आपका 9 आ गया, यानी 693। आपके समझ में आ रहा होगा। अगली बात, डबल नाइन के साथ हम लोग ट्रिपल डिजिट ले सकते हैं, यानी कि मोर देन टू डिजिट्स, 2 से अधिक अंक ले सकते हैं, 2 से अधिक अंक ले सकते हैं। जैसे 99 के साथ मैंने 752 752 ले लिया, जब सिंगल डिजिट था। एक मिनट, पहले मैंने सिंगल डिजिट लिया है, यहां डबल डिजिट लेके पहले आपको समझाते हैं। एक मिनट, यहां पे डबल डिजिट, कोई भी डबल डिजिट ले सकते हैं, जैसे 75। क्रम पर चलेंगे, सिंगल डिजिट लिया, डबल डिजिट लिया और डबल डिजिट के बाद हम लोग मोर देन टू डिजिट लेंगे, 2 से ज्यादा अंकों का क्या कंसेप्ट होगा, तो सीखिए प्यारे बच्चों। अगर आप सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं इस टाइप के, तो आपको एक एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे 75 में से कम करिए, 74, 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 2, 4 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 5, ये मल्टीप्लाई हो चुका है, 99 का 75 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। एक बार और करते हैं, 99 के साथ 68 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक कम करिए 67, 6 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 3, 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 2, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया है 6732। किसका मल्टीप्लाई हुआ है, डबल 9 और 68 का। आगे बढ़ते हैं, डबल 9 के साथ अगर आपको डबल 9 का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, एक कम करेंगे इसमें से 98, 9 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, कुछ भी नहीं, 0, 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 1, ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है 9801। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट डबल डिजिट को सीखा, अब हम ट्रिपल डिजिट को सीखते हैं। डबल नाइन के साथ मोर देन टू डिजिट्स मतलब 2 से अधिक अंक, कोई भी 2 से अधिक अंक ले लीजिए, जैसे कि मैंने 752 लिया हुआ था। समझिए, आप इस नंबर के राइट हैंड साइड में ओनली 2 जीरोस लगाएंगे। ये 2 जीरो कहां से आ गए, 2 9 की वजह से। बिल्कुल, अगर ये 3 9 होते तो आप 3 जीरो लगा लेते, और ये नंबर एज इट इज आप माइनस कर सकते हैं। जो नंबर आपका पहले से था वो नंबर आप माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 हो गया, कैरी आएगा इधर से, बोरो लेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4, ये 4 और ये आपका 7। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डबल नाइन के साथ मैंने ले लिया 896,
आप पहले दो जीरो लगाएंगे, 8 96 माइनस कर देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, या 8 हो गया और यहां भी 8 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्या आया? 88704। किसका मल्टीप्लाई? डबल नाइन के साथ 896 का मल्टीप्लाई आपने किया। ओके, तो आपके सामने तीन कंसेप्ट आ गए। सिंगल डिजिट आता है, आप गुणा कर से गुणा कर सकते हैं, बीच में नाइन सेट कर सकते हैं। डबल नाइन आता है, पहले का कम करिए और उनका सम ऑफ टू डिजिट्स इज इक्वल टू 9, दो अंकों का टोटल 9 बनाइए। और तीसरा कंसेप्ट आया, अगर दो से अधिक अंक आ जाए तो दो जीरो लगा के वो नंबर माइनस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल नाइन के साथ 79264 इतनी बड़ी नंबर आ गई, मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये जो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, दिस ट्रिक यूजफुल ओनली फॉर डबल नाइन, ट्रिपल नाइन एंड 499 के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, मैंने कल कराया था, मतलब मैंने आपको अगले वीडियो में ये बताया था। और आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसमें इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप कर पाएंगे इसको आसानी से। देखिए दो जीरो लगा लीजिए, 46297 माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 13 या 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1, 16 में से 9 जाएगा 7, 11 में से 1 जाएगा 4, और यहां का 8, यहां का 7। चेक कर लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यहां 3 रह जाएगा, 1 बचेगा, यहां आपका 16 होगा तो 9 और 7 16 होता है, 7 बचेगा, और यहां आपकी कैरी रह जाएगी 11 रहेगा, 7 11, बिल्कुल क्लियर आंसर है, आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनको आप पुश करके दोबारा सुनिए और समझिए। सबसे ज्यादा टाइम मैं खर्च करूंगा तो क्वेश्चन कराने में, क्योंकि जब बताते बताते वीडियो बड़ा हो जाता है, जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि बोरिंग है। तो अभी कंसेप्ट बाकी है और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी मैंने आपको डबल नाइन के बारे में बताया, अब मैं आपको ट्रिपल नाइन के बारे में बता रहा हूं। ओके, समझ आ रहा है ना किसके बारे में? ट्रिपल नाइन। देखो ट्रिपल नाइन के साथ सिंगल डिजिट आता है, सिंगल डिजिट मतलब एक अंक। तो देखो ट्रिपल नाइन इंटू आप कोई भी एक अंक ले लीजिए, जैसे 8 9 8 का 72, बीच में दोनों 9 सेट करो, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट ट्रिपल नाइन के साथ जैसे आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, 9 6 54, बीच में दो 9 सेट कर दीजिए। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल नाइन के साथ डबल डिजिट कोई भी दो अंक ले सकते हैं, जैसे कि 999 26, एनी नंबर। प्यारे बच्चों पहले आपको ही बता दूं कि दो नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो हमारी जो गिनती होती है उसमें 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक दो डिजिट होते हैं, तो इसके बीच का कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ओके आगे 26, दो नाइन को सेट कर लेंगे, एक कम करेंगे, दो अंकों के साथ दो ही लॉजिक चलेगा, एक कम करेंगे क्या आ जाएगा 25, बीच वाला 9 सेट कर देंगे, दो में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 7, 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 4, आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिपल नाइन के साथ 83, आप 83 से कम करिए, 82 पेयर बनाया, बीच वाला 9 बीच में सेट कर दीजिए, 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए 1, और 2 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए 7, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। अब देखिए एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, आपसे पूछा जाएगा 3 × 111 × 3 × 82। अब देखिए 3 3 9 और 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीटली बन जाएगा ट्रिपल नाइन, और ये आपका 82 आप देख पा रहे होंगे। अब यहां से आप एक कम कर लेंगे, 81 बीच वाला 9 बीच में ले लेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, और 1 में जोड़ेंगे तो 8, तो आपका आंसर आ गया 8 1 9 1 8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 99 के साथ 999 के साथ 9999 के साथ कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट को समझिए क्लियर करिए। देखिए ट्रिपल नाइन के साथ आपको
कोई भी आप यहां पे मोर देन टू कर लीजिए, मोर देन टू डिजिट्स, ओके दो अंकों से अधिक, जैसे 7, 8, 9, सॉरी मोर देन टू करिए पहले, तो डबल डिजिट का करिएगा, जैसे कि टू डिजिट्स, सॉरी थ्री डिजिट्स, दो का सीख लिया ना तो तीन का सीख लो, उसके बाद मोर देन थ्री करेंगे ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा सीखे, लेकिन ये सिस्टमेटिक चलेंगे तो सही रहेगा। एक कम करिए 788, 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए 2, 8 में कितना ऐड करें 1, 8 में कितना ऐड करें 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट एक और करते हैं, 5, 6, 9 एक कम करिए, 5, 6, 8 पांच में कितना जोड़े 4, 6 में कितना जोड़े 3, 8 में कितना जोड़े 1, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था वो है आपका मोर देन 3, यहां मोर देन 3 लिख रहे हैं, इसलिए मैंने सूटेबल समझा है कि यहां पे तीन डिजिट्स हैं, तो मोर देन 3 के लिए क्या लॉजिक आएगा, 8, 9, 6, 3। देखिए प्यारे बच्चों, जब यहां के डिजिट से गुणा करने वाली संख्या ज्यादा बड़ी हो तो हमेशा जीरो लगाने का लॉजिक याद रखेंगे, कितनी 9 है 3, तो आप 3 जीरो लगा लीजिए, 3, 6, 9, 8 माइनस कर लीजिए, चलिए करिए माइनस, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहां 12 4 बचेगा, यहां 5 यहां 9 यहां 8, ये आपका आंसर आ गया, माइनस कर लीजिए आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैंने आपको ट्रिपल नाइन का सिखाया, अब आपको मैं 4, 9 का सिखाता हूं, ये अंडरस्टूड रहेगा, आप समझ गए होंगे इसका आंसर कैसे आएगा। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 9 के साथ ये सेट हो जाएगा 9, 9, 8, बीच में एक 9 आएगा और 0, 0 बन जाएगा। ओके उसके बाद बस आंसर आ गया आपका, कुछ करना ही नहीं इसमें, ट्रिपल नाइन है, ट्रिपल नाइन सेट, ट्रिपल नाइन सेट हो जाएगा, ओके बीच में एक 9 आएगा, 9 कर दीजिए, समझ रहे होंगे मेरी बात। उसके बाद आप 2, 0 लगाइए, 2, 0 क्यों आ रहे हैं, 9 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 0, 9 में कितना 9 जोड़े 9 हो जाए 0, और 8 में कितना जोड़े 1, दिया आपको आंसर मिल चुका है। ओके नेक्स्ट, ये मैंने आपको ट्रिपल लाइन की कंसेप्ट सिखा दी है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट सारी चीजें हो गई है, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके डन, ओके बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें वीडियो की लिमिट हमें 25 मिनट और 30 मिनट रखनी पड़ती है, और 25 और 30 मिनट में हम वो बात आपको बताना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में क्वेश्चंस का अभाव हो जाता है, यानी कम क्वेश्चंस हो पाते हैं, और इसके लिए मैंने सोचा है कि आपको मैं लाइव क्लासेस दिया करूँगा, तो कुछ दिन बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और उस लाइव क्लासेस में आप पूरा वीडियो आराम से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ओके तो मैंने कुछ